आज मैं आप लोगों को मिक्स वेज सब्जी बनाना सिर्फ बता रही हूँ। उसके लिए हम थोड़ा सा बीन्स, थोड़ा सा कटा हुआ छोटा सा फूल गोभी, एक आलू छोटे छोटे टुकड़ों में छील के काट लिए हैं, एक गाजर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, एक शिमला मिर्च उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, और थोड़े से हरे मिर्च, मटर, और ये मसाला है जिसको मैं बताऊंगी किस तरह से तैयार किए हैं। सबसे पहले कढ़ाई गैस पे बैठा कर गैस ऑन कर लेंगे। गैस ऑन करके इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, 4 से 5 चम्मच तेल डालेंगे ताकि हमारा सब्जी अच्छे से फ्राई हो सके। उसे अच्छे से हमको डीप फ्राई करना है, उसको इस तरह से फ्राई करेंगे कि उसमें पानी ना छोड़े। तेल हमारा गरम हो रहा है, तेल गरम होने पर हम इसमें थोड़ा सा गोटा जीरा, थोड़ा सा फोरन में गोटा जीरा डालेंगे और उसे चटकने देंगे। जीरा हमारा चटक गया है, अब इसमें सबसे पहले फूलगोभी को डालेंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से मिक्स वेज सब्जी बनाना है और खाने में भी काफी टेस्टी लगेगा आपको। बहुत ही इजी तरीके से और तुरंत में बनने वाला है, झटपट बन जाएगा ये मिक्स वेज सब्जी। वो भी थोड़ा फ्राई होने के बाद इसमें और सब्जी हम डालेंगे। वो भी हमारा थोड़ा फ्राई हो रहा है, चलाते हुए हम फ्राई करेंगे। इसे तेज आंच पर ही हमको फ्राई करना है ताकि ये पानी ना छोड़े और अच्छे से गोल्डन फ्राई हो पाए। गोभी हमारा थोड़ा सा भून गया है, अब इसमें हम कटे हुए आलू को डाल देंगे, इसे भी थोड़ा सा हल्का भूनेंगे। गैस का आंच हमारा तेज ही है, इसे भी लगातार चलाते हुए भूनेंगे। आलू भी हमारा थोड़ा फ्राई हो रहा है, भुना रहा है। अब इसमें हम कटी हुई बीन्स, कटे हुए गाजर, और कटे हुए शिमला मिर्च को डाल देते हैं। सब्जी हम तेज आंच में ही भून रहे हैं ताकि सब्जी सब्जी पानी ना छोड़े और वो अच्छे से भुना जाए। सब्जी हमारा भुना रहा है अभी, इसे और हम थोड़ी देर तक भूनते हैं। इसे भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा हरा मटर भी डाल देंगे। सारा सब्जी हमारा भुना रहा है, सब्जी हमारा हल्का भुना गया है। अब इसमें हम थोड़ा आधा चम्मच हल्दी पाउडर ताकि इसका कलर देखने में अच्छा लगे, आधा चम्मच नमक स्वादानुसार, आपको जितना टेस्ट में पसंद हो उस हिसाब से इसमें हल्दी डाल दिए, नमक डाल दिए हैं और इसे हल्का सा भून रहे हैं। भूनते हुए ही इसमें आधे छोटे चम्मच जीरा पाउडर,
आधे छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधे छोटे चम्मच मिक्स मसाला पाउडर है, सब्जी मसाला वो भी हम इसमें डाल रहे हैं और इनको लगातार भूनेंगे। हल्का भुना गया है, अब इसमें हम ये पेस्ट तैयार करके रखे हैं, इसमें दो प्याज कटा हुआ, दो टमाटर, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा 8-10 लहसुन की कलियाँ, 3-4 छोटे हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, सबको थोड़ा सा तेल डाल करके सेलो फ्राई करके उसको भून करके पीस के इसका पेस्ट तैयार किए हैं। इसका भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस पेस्ट तैयार पेस्ट को हम इसमें डाल देते हैं। ये पेस्ट आपको हर सब्जी में अच्छा लगेगा, आप इस पेस्ट को हमेशा तैयार करके रख सकते हैं और किसी भी सब्जी, जब भी आप कोई सब्जी बनाएं तो इस पेस्ट को डालते हुए इसे लगातार भूनेंगे। मसाला हमारा भुना गया है सब्जी में, ये तो ऑलरेडी पहले भी हल्का भुना हुआ था, इसलिए ज़्यादा भूनने की आवश्यकता नहीं है हमें मसाला को। अब इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए पनीर को भी डाल देंगे। इसे हम, आप चाहे तो भून के भी डाल सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं। ऐसे डालेंगे तो ये मसाले के साथ थोड़ा सा भुना जाएगा। भूनने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे, वो हल्का सा, जितना आपको ग्रेवी चाहिए, ग्रेवी के हिसाब से आप हल्का उसको पानी डाल करके और ढक करके सींचने के लिए छोड़ेंगे इसको हम। ये हमारा पनीर भी थोड़ा सा भुना गया है साथ में, सब्जी के साथ में। देखिए हमारा सब्जी कितना अच्छा तैयार हो रहा है। इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी डालेंगे, इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है देखने में। ये हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए हैं, इससे कलर देखने में बहुत अच्छा आएगा। ये हमारा पनीर के सभी साथ में भुना गया है, सब्जी भी हमारा भुना गया है। अब इसमें हम पानी डाल करके ढककर छोड़ देंगे। जिसमें हमारा मसाला था उसी को धोते हुए हम पानी डाल के ढक देते हैं ताकि सब्जी भी इसमें सींच जाए। हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रहे हैं, ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता है, ये लटपट सब्जी ही अच्छा लगता है। केवल मसाला और सब्जी सींच जाए इतना ही हमको इसमें पानी डालना है। हम इस कटोरी से 1.5 कटोरी पानी डाले हैं और इसको ढककर धीमी आंच पर पकाएंगे ताकि हमारा सब्जी एक साथ पूरा पककर तैयार हो जाए। मिक्स वेज सब्जी हमारा लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम खोल करके देखते हैं, 10 मिनट तक इसको हम धीमी आंच पर पकाए हैं ताकि सब्जी भी सारा सींच गया है हमारा। अब इसको हम गैस बंद कर देंगे और एक प्लेट में निकाल कर सर्व करते हैं। ये देखिए हमारा कितना अच्छा सब्जी बनकर तैयार हुआ है। इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ती की गार्निश डालकर इसे गार्निश कर हम सर्व करेंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।